एक प्रश्न, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ है? अमेरिका, लंदन या फ्रांस? भाई यह अपने गुजरात में है। तो चलिए आज हम चलते हैं गुजरात में, जहां हम देखेंगे सरदार वल्लभ जी की सबसे ऊंची स्टैचू पूरे विश्व में। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। शायद यह जानकारी जानने के बाद आप भी अपना मन बना लें इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं हूं राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे पहुंचे? अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पड़ता है 200 किलोमीटर, वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पड़ता है 95 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है एकता नगर। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपके लिए पड़ेगा वडोदरा एयरपोर्ट। हम ज्यादा मेंबर्स थे तो हमने डिसाइड किया एक कार हायर करने का अहमदाबाद से। आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया अकोमोडेशन जो कि रीजनेबल भी है बताऊंगा। आप कार कहां से हायर कर सकते हैं, अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच क्या क्या देख सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आपको क्या बाइक लेनी पड़ेगी किराए पर, अगर फैमिली के साथ है तो बेस्ट ऑप्शन लोकल कम्यूट का क्या है, स्टे और कम्यूट की आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। यह सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आइए जानते हैं इस मूर्ति की कुछ खास बातें जो आप शायद ना जानते हो। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अब वे आसमान की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और यह इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि यह मूर्ति ऊंचाई में अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति से लगभग दोगुनी है। इस मूर्ति में दो लिफ्ट भी लगी है जिनके माध्यम से आप सरदार पटेल के चेस्ट लेवल तक पहुंचेंगे और आप वहां से सरदार सरोवर बांध का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देख सकेंगे। यह फौलादी स्टैचू 6.5 तीव्रता के भूकंप के झटके को भी सह सकती है, तो दूसरी तरफ यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ी रह सकती है। स्टैचू के ठीक नीचे एक म्यूजियम भी है जो कि हमें सरदार पटेल के बारे में कई इंटरेस्टिंग जानकारी देता है। टिकट बुकिंग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट आप ऑनलाइन या यहां आकर भी बुक कर सकते हैं। यहां दो प्रकार की टिकट है, SOU एंट्री टिकट 150 रुपए की और SOU व्यूइंग गैलरी टिकट 380 रुपए की। दोनों टिकट में फर्क सिर्फ इतना है कि 380 रुपए वाली टिकट में आप लिफ्ट में स्टैचू के ऊपर तक जा सकते हैं, 150 रुपए वाली टिकट में आप सिर्फ स्टैचू के पांव तक जा सकते हैं। दोनों ही टिकट में आप म्यूजियम और व्यूइंग गैलरी देख सकते हैं। दोनों ही टिकट में आप डैम व्यू पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर भी देख सकते हैं। स्टैचू का टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। 6 बजे के बाद आप लेजर शो दूर से एंजॉय कर सकते हैं। एक जरूरी बात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडे को बंद रहता है। चलिए अब सफर शुरू करें। सुबह के करीब अब 6:45 बज रहे हैं और अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और उस लाइटिंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहां हूं तो देखिए यह टाइम लैप्स वीडियो। इस स्टैचू का अर्ली मॉर्निंग व्यू तो ऑसम है। सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा श्रेष्ठ भारत भवन। आपकी खुद की कार हो तो आप यहां पर पार्क कर सकते हैं।
आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली इन बसों द्वारा इधर भी आ सकते हैं। इन बसों का कोई चार्जेस नहीं है। जैसे ही आप बस से उतरेंगे तो आपको लॉकर रूम दिख जाएंगे। लॉकर रूम भी है, अगर आप सामान सीधा यहाँ पे लाकर रख भी सकते हैं। अगर आपके पास शोल्डर बैग या बैकपैक्स है तो इधर जमा करवा दीजिए, अंदर अलाउड नहीं है। लॉकर रूम का चार्जेस कुछ नहीं है। जैसे ही आप बस पार्किंग स्टैंड से बाहर आते हैं तो सड़क पार आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। अब हम सिक्योरिटी चेक गेट पर आ गए हैं, कैमरा अंदर डाल दिया था मैंने उस टाइम। देखिए यहाँ पे बैग्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो आप प्लीज़ लॉकर रूम में ही छोड़ के आइएगा। इन्हीं बेंचों में आप बैठकर शाम के वक्त लेज़र शो का मज़ा ले सकते हैं। यहीं से पूरी मूर्ति एकदम क्लियर दिखती है। बड़ी शान से नर्मदा नदी के बीच खड़ी है यह स्टैचू। शाम के वक्त लेज़र शो का मज़ा आ जाएगा। शांत बहती हुई नर्मदा नदी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नदी के पार साइन बोर्ड है, मुझे हॉलीवुड साइन बोर्ड की याद दिलाता है जो अक्सर हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। आई लाइक इट। यहाँ फूड कोर्ट भी है, महंगा जरूर है। हमने ब्रेकफास्ट होटल में ही किया था क्योंकि वह हमारे पैकेज के साथ इंक्लूडेड था। काफ़ी एक्सपेंसिव है। वाटर बॉटल जो MRP बाहर 20 रुपये में है, यहाँ पे 30 रुपीज़ में है। आप कहाँ रुक सकते हैं मेरे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यह एक बहुत ही बढ़िया बजट ऑप्शन है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक सुविधा मुझे यहाँ जरूर अच्छी लगी, जगह जगह आपको ऐसे ठंडे पानी की मशीन मिल जाएंगी, इसका कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ से स्टैचू तक काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो अच्छी बात सीनियर सिटीजन्स या जिसे चलना पसंद ना हो, आप इन मूविंग वॉकवेज या ट्रैवलेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैचू के पास हम बाद में जाएंगे, पहले अंदर एग्जीबिशन हॉल में चलते हैं। वाव, बाहर से देख सोचा ना था कि इतना बड़ा होगा। आखिर बड़ा क्यों ना हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी तो कहा जाता था। उनके योगदान से ही हमें आजादी मिली है। वे पहले होम मिनिस्टर थे आजाद भारत के। जब आप ऊपर जाते हैं तो आप स्टैचू का फेस नहीं देख पाते हैं। इस एग्जीबिशन हॉल में आपको उनके फेस का एक रेप्लिका इधर देख सकेंगे। इस रेप्लिका की बनावट इतनी सुंदर है जैसे कि अब बोल उठे। इस स्टैचू का उद्घाटन और कोई नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह स्टैचू के निर्माण की सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। और भी कुछ काफी इंटरेस्टिंग जानकारी, जैसे नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा डैम के बारे में, सरदार वल्लभ भाई की हिस्ट्री। यहाँ की ट्राइबल लाइफ कैसी है, काफी जानकारी आपको इधर दी गई है। आपको यहाँ समय लगेगा कम से कम 1.5 घंटा से 1.5 घंटा, यह आपके इंटरेस्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ये थिएटर है। इस थिएटर में इस प्रोजेक्ट के बारे में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। काफी कुछ है यहाँ जानने और सीखने के लिए। इस गैलरी का यह सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पल के लिए लगा मानो मैं किसी लाइब्रेरी में आ गया हूं। जानकारी आपको मल्टीपल चॉइस इंटरैक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा दी गई है, तो दूसरी तरफ इन इंटरैक्टिव कार्टून्स के द्वारा
जिसे हर उम्र का व्यक्ति शायद कभी न कभी तो पसंद किया होगा इन कार्टून्स को। चलिए अब हम लिफ्ट द्वारा व्यूइंग गैलरी चलते हैं। लिफ्ट की भी एंट्री इधर से है। इस स्टैचू के अंदर दो लिफ्ट है। आप 45 फ्लोर्स मात्र 38 सेकंड्स में ऊपर आते हैं। इतनी हाई स्पीड लिफ्ट है। तो यह है व्यूइंग गैलरी और मैं आपको यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत व्यू बताता हूँ। काफी एक्साइटेड हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा दिखता हो। व्यू से भी ज्यादा खुशी इस बात की कि हम वर्ल्ड के सबसे ऊंचे स्टैचू के अंदर है आज। इतनी बड़ी स्टैचू को हम सिर्फ देख ही नहीं बल्कि छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। गर्व की बात यह कि हम आए हैं इस मूर्ति के चेस्ट लेवल तक, जिसका लोहा सारी दुनिया ने माना था। सब कुछ कितना छोटा दिखता है इतने ऊपर से। एक तरफ से आपको डैम का खूबसूरत व्यू दिखाई पड़ता है तो दूसरी तरफ यह वह ब्रिज है जहां हम सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। यहां का स्टाफ भी काफी हेल्पफुल था। भीड़ के इंटरेस्ट लेवल को देख यह भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। इसलिए आपको पता नहीं चला कितने जल्दी ऊपर आ गए। मैं अब स्टैचू के बिल्कुल पास आ गया हूँ। एक मजे की बात दिखाता हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी स्टैचू है यह। मेरी हाइट के बावजूद भी आई कांट इवन टच द नेल्स हियर एक्चुअली। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मूर्ति है ये। देखिए दूसरा एग्जांपल, चप्पल के सोल की हाइट एक आम इंसान से भी बड़ी है। कितनी विशाल स्टैचू है यह। एक बात जरूर गर्व की है कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू हमारे देश में है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।